फ्रेंड्स, आज मैं आपको फोटोशॉप के बारे में जीरो से लेकर हीरो तक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज तक आपको जितने भी मिले होंगे वो फोटोशॉप के बारे में आधा अधूरी जानकारी प्राप्त मिला होगा, परंतु हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। जिन्होंने आज तक फोटोशॉप का पी तक नहीं जानते होंगे वो इससे शुरुआत कर सकते हैं, और ये मेरी हर एक वीडियो लगभग 20-20 मिनट की रहेगी। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप किसका चुनाव करें। फोटोशॉप बहुत सारे वर्जन में आए हुए हैं, फोटोशॉप 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0। तो अभी सबसे अच्छी क्वालिटी का है फोटोशॉप 11.0, जिसे एडोब फोटोशॉप CS3 कहते हैं। एडोब फोटोशॉप CS3 सबसे अच्छा वर्जन है जिसे आप काम कर सकते हैं और इसमें इजीली काम होगा। तो हम शुरुआत करते हैं एडोब फोटोशॉप CS3 से। तो सबसे पहले इस तरह का आपका खुलेगा। इस तरह खुलने के बाद सबसे पहले अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो एक डायरी और पेन ले करके जरूर बैठें। और सबसे पहले आप क्या करें, ये जितने सारे कर्सर है इस कर्सर को पहले डायरी में लिख लें, और डायरी में लिखने के बाद इसका नाम सहित लिख लें, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सारे कर्सर को सीखना होगा। ये सारे कर्सर अगर सीख लेंगे तो कोई किसी भी कर्सर को हम एक बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, वरना होगा क्या कि आप एक बार शुरू करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर शुरू करेंगे फिर भूल जाएंगे, तो आपकी क्लास ठीक ढंग से हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहले आप सभी कर्सर को लिख लें। जैसे इस कर्सर पर ले जाएंगे उस कर्सर का नाम उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो उसका शॉर्टकट की है। जैसे कि ये हो गया आपका मूव टूल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल टूल। इसमें एक ही टूल में 3-4 टूल्स है। जैसे कि इसको इस पर अगर राइट क्लिक कीजिएगा तो इसमें रेक्टेंगल है, एलिप्टिकल है, सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है। उसके बाद तीसरा है लैसो टूल, चौथा है क्विक सिलेक्शन टूल, उसके बाद है क्रॉप टूल, उसके बाद स्लाइस टूल, उसके बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश, उसके बाद ब्रश, उसके बाद क्लोन स्टाम्प, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद इरेजर, उसके बाद ग्रेडियंट टूल, उसके बाद ब्लर टूल, उसके बाद डोज टूल, इसे बर्न टूल भी इसमें रहता है, फिर पेन टूल, उसके बाद टाइप टूल, उसके बाद सिलेक्शन पाथ सिलेक्शन टूल, उसके बाद रेक्टेंगल टूल, नोट्स टूल, आई ड्रॉप टूल, हैंड टूल, जूम टूल। इसमें से सभी कर्सर का यूज है, और बहुत ऐसे कर्सर है भी जिसका यूज बहुत ही काफ़ी कम है। तो हम तो उपयोग सबका बताएंगे, लेकिन कौन जितना ज़्यादा ज़रूरी है उस पर हम विशेष रूप से आपको बताएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इमेज से, तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए पहले इमेज को आप ओपन कर लेंगे। जैसे कि यही इमेज है, ये तो बहुत छोटा इमेज है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए इस तरह का पोस्टर भी बना सकते हैं फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिस तरह जैसे कि आप देखिए किस किस तरह का काम कर सकते हैं, ये इलेक्शन में आप ये काम कर सकते हैं, उसके बाद ये तो कलर बना सकते हैं कलरफुल, उसके बाद ये आप गोल स्टिकर बना सकते हैं, उसके बाद ये बैनर बना सकते हैं। तो इस तरह का काम हो गया, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर देखिए एक फोटोशॉप में आपको बहुत ही कमाल चीज़ दिखाऊंगा मैं,
जो शायद आपने देखा नहीं होगा, बहुत पहले बहुत कम देखा होगा। ये पूरा मैप है, ये जम्मू के कलेक्ट्रिएट समाहरणालय का मैप है जिसे फोटोशॉप के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह का भी आप डिजाइन बना सकते हैं। इसको बनाने में मुझे लगभग 3 दिन लगे। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद और मैं आपको बताता हूँ, फिर आप ये इस तरह का कार्ड आप बना सकते हैं। इस तरह का आप कार्ड बना सकते हैं, इस तरह का आप कार्ड बना सकते हैं। ये सब फोटोशॉप का क्रिएशन है और मैं आपको सब बताऊंगा कि किस तरह आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं और दिखाता हूँ आपको। प्रिंट में ये भी दिखा दिया। आप इसमें विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। ये देखिए, खुलने में समय लगता है। ये देखिए, ये है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड भी आप बना सकते हैं। फिर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्या क्या बना सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। आप कलरफुल शादी के कार्ड, बहुत चीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फोटो से, जो कि सबसे आसान सबसे छोटा चीज है। तो उसके लिए पहले हम फोटो को फोटो का सिलेक्शन करते हैं।